हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई टुडे इज फोर्थ ऑफ डिसम्बर 2020 और आज हम देखेंगे कि द दे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और जो आपको पढ़नी चाहिए सी द पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज नॉट टू टेल यू द एनालिसिस ऑफ द न्यूज पेपर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो सीरीज इज टू टीच यू हाउ टू पिक द न्यूज दैट आर रेलिवेंट फॉर सिविल सर्विसज एग्जाम्स

सम ऑफ द मेजर्स जो चेंज करने की गवर्नमेंट ने बात की है उसमें नंबर वन इज दट आउटसाइड द ए पी एम सीज किसी भी और मंडी में या किसी भी और सिस्टम में मार्केट सेस या लेवी जो है वो नहीं लगाई जाएगी लेकिन अब सरकार ने कहा है कि वो ऐसा करने के लिए सोच सकती है दैट इवन इन प्राइवेट मंडीज सेस कैन भी लेवड और द रूरल डेवलपमेंट सेस कैन भी लेव नंबर टू एक और जो बहुत कंटेंशियस प्रोविजन है चेन इसको एक चेन में आपने रीड करना है क्योंकि एक स्टोरी फॉर्म में चली आ रही है जब तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता जब तक गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले नहीं लेती तब तक आपको इस न्यूज को नोट नहीं करना है नाउ द एट प्रपोजल्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं वो आपको नोट नहीं करने हैं अनलेस वो एक्चुअली में अग्रीमेंट के फॉर्म में चेंज हो जाए बिकॉज दीज आर जस्ट प्रपोजल्स अनलेस एंड अंटिल देर इज समथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड यू नॉट हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर यू नोट इट डाउन तो ये पढ़ के आपने समझनी है न्यूज बहुत अच्छे से देन इंडियन वैक्सीन आफ्टर फेज थ्री ट्रायल्स इंडियन वैक्सीन आफ्टर फेज थ्री ट्रायल्स तो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर की एक वैक्सीन को फाइनल परमिशन दे दी है और नेक्स्ट वीक से वो एडमिनिस्टर होनी शुरू हो जाएगी इस कॉन्टेक्स में सभी कंट्रीज के ऊपर ये क्वेश्चन है कि क्या वो भी ऐसा जल्दी से जल्दी कर सकती हैं सो हियर द इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि थर्ड ट्रायल से पहले वो किसी भी वैक्सीन को परमिशन नहीं देंगे आपने इस बात का ध्यान रखना है देन वी मूव ऑन टू पेज नंबर एट विच इज द एडिटोरियल पेज इस पे काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं आज फर्स्ट इज पर्सनल चॉइसेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये जो एक आर्टिकल है मिस्टर सोरित पार्थ सार्थी ने ये लिखा है काफी अच्छा आर्टिकल है इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा आर्टिकल है रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिससे कि रिलीजियस कन्वर्जन सोलली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है कि जो लोग रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं सिर्फ शादी के लिए या शादी करते हैं सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के लिए उनको रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस बनाया गया है तो यहां पर एक अलाहाबाद हाईकोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई थी जिसमें उसने कहा था दैट रिलीजियस कन्वर्जन इवन वेन मेड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज इज अ वैलिड एक्सरसाइज ऑफ अ पर्सन लिबर्टीज कि अगर कोई पर्सन सिर्फ शादी के लिए भी अपना धर्म बदलता है इवन दैट इज अ वैलिड पॉइंट फॉर और इन लाइट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फ्रीडम ऑफ चॉइस लिबर्टी ये सारे फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है इस कॉन्टेक्स्ट में इवन ये भी परमिसिबल है कि वो सिर्फ शादी के लिए अपना धर्म बदल सके तो इसके ऊपर ये पूरी डिस्कशन है इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से ये आपको पढ़ना है सेकेंड इज टाइमिंग इट राइट तो ये ऐसे कोई नोट करने वाली न्यूज नहीं है आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं इसमें यह है कि सीबीएसई ने रिसेंटली अपना एग्जाम शेड्यूल अनाउंस किया है दैट बाय द नेक्स्ट समर्स देयर कुड बी एग्जाम्स इन अ कन्वेंशनल फॉर्मेट जैसे कि हर साल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोरोना वायरस के केसेस इसी तरह कम होते रहे जिस स्पीड से वो हो रहे हैं देन इट मे वेल बी गुड दैट द एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन अ कन्वेंशनल मैनर तो अगर इसी तरह से केसेस कम होते रहे सो बाय नेक्स्ट सम वी कुड बी वेल आउट ऑफ द चैलेंजिंग टाइम नेक्स्ट आई से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द ईरान चैलेंज कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे जो ईरान न्यूक्लियर डील है जिसका फॉर्मल नाम है JCPOA. ए दैट इज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि 2015 में साइन हुई थी पी फाइव प्लस वन कंट्रीज में पी फाइव प्लस वन कंट्रीज एंड ईरान ईरान एक तरफ था और पी फाइव प्लस वन पी फाइव यानी कि फाइव परमानेंट में सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग यूएस यूके रशिया फ्रांस एंड चाइना प्लस वन जो है यह है जर्मनी तो इन छह सुपर पावर्स ने ईरान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही ज्यादा स्केल डाउन कर दिया था ऑलमोस्ट उसको खत्म ही कर दिया था और उसके बदले में इन सभी कंट्रीज ने ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक सेंक्शंस हटा लिए थे बट वेन द न्यू यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केम इन टू पावर तो उन्होंने आकर कहा कि ईरान को इसमें काफी ज्यादा कंसेशंस दे दिए गए हैं इसलिए उन्होंने इस डील को विद्रॉ कर लिया खुद को इस डील से विदड्रॉ कर लिया बट नाउ द न्यू प्रेजिडेंट मिस्टर जो बाइडन हैज डिसाइडेड टू अगेन ज्वाइन द जे उन्हें दोबारा साइन करेंगे लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नई कंडीशंस लगा दी हैं। सो so, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि ऑलरेडी ईरान के साथ एक बार जो है वो वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड विद ईरान विदाउट ईरान ईरान की कोई गलती ना होने के बावजूद भी ईरान के साथ ये डील कैंसिल की गई यूएस की तरफ से सो नाउ मिस्टर बाइडन मस्ट गो बैक टू डील विदाउट एक्सपेक्टिंग फर्दर कंसेशन फ्रॉम ईरान क्योंकि ईरान ने पहले ही बहुत सारे कंसेशन दे दिए थे नाउ इट इज फॉर यूएस टू वॉक टूवर्ड्स ईरान एंड नॉट ईरान टू वॉक टूवर्ड्स यू एस तो इसमें मिस्टर जो बाइडन के लिए ये सलाह दी गई है दैट ही शुड ज्वाइन द जेसीपीओए विद द प्रीवियस अग्रीमेंट ओनली और कोई नई कंडीशन वो एड इसमें ना करें बिकॉज दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड इफ पीस हैज टू प्रिवेल इन द एंटायर रीजन तो काफी अच्छा आर्टिकल है आपको पढ़ना है आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पेज नंबर नाइन ओपीडी नेबरहुड पॉलिसी नीड वर्किंग तो एक डिस्कशन है डज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी नीड वर्किंग तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड ये यूपीएससी में मेंस में, में आपका एक टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड उस कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छा एक डिस्कशन है जिसमें से कुछ पॉइंटर्स आप निकाल सकते हैं आईआर में ऐड कर सकते हैं और इंडिया के जिस तरह के रिलेशन्स चल रहे हैं अपने नेबर्स के साथ जैसे डिस्प्यूट्स चल रहा है पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ इनफैक्ट नेपाल के साथ थोड़ा बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडियाज़ नेबरहुड इन दिस ईयर्स यूपीएससी पी एग्जाम जो कि अगले महीने होने वाले हैं सो यू कैन यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम इंडियाज़ नेबरहुड इन दिस ईयर्स मेन्ज एग्जाम्स डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इट उसके बाद अस मूव टू वर्ल्ड पेज पेज नंबर थर्टीन वर्ल्ड पेज ईरान मूव्स टू स्टेप अप न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो ये भी उसी एडिटोरियल के साथ मिलती जुलती न्यूज है दैट एक तरफ तो यूएस नई कंडीशन लगाने के बारे में सोच रहा है कि हम ईरान न्यूक्लियर डील को तब साइन करेंगे जब नई कंडीशन मैच होंगी और दूसरी तरफ ईरान जो है इट हैज रिफ्यूज टू बाउ डाउन ईरान ने दोबारा से अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को एक्टिव कर दिया है एंड न्यू लॉज हॉल्टू एन इंस्पेक्शन गिव्स अ मंथ टू कंट्रीज टू ईज सेंशन नए लॉ उन्होंने पास कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग यूएन UN, जो यूनाइटेड नेशंस है जिसे डील के तहत न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट करने की परमिशन दी गई थी वो परमिशन अब वापस ले ली गई है और सभी कंट्रीज को एक महीने का वक्त दिया गया है ईरान से सेंक्शंस वापस हटाने के लिए दैट मीन्स ईरान इज ऑल्सो नाउ एक्टिंग स्ट्रांगली बिकॉज ईरान के साथ एक तरह से जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक किया गया विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ ईरान इसलिए अब ईरान भी उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है बट अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन अ टसल बिटवीन यूएस एंड ईरान so this this tussle should be avoided this is what that article was saying उसके बाद इकॉनॉमी पेज पे आते हैं ये न्यूज है इकोनॉमी फर्मली ऑन द पाथ ऑफ अ वी शेप्ड रिकवरी सेज गवर्नमेंट नाउ वी शेप्ड रिकवरी मींस द रिकवरी इन यू कैन से इकोनॉमिक साइकल्स इज ऑफ टू टाइप्स एक तो वी शेप रिकवरी हो सकती है और एक यू शेप्ड रिकवरी हो सकती है शेप रिकवरी का मतलब है कि जो डिक्लाइन था उसके बाद जो राइज है दैट इज फेयरली शार्प वी शेप रिकवरी का मतलब है कि जो डिक्लाइन के बाद जो राइज है वो काफी शार्प होने वाला है यानी कि तेजी से इकोनॉमी रिकवर करेगी लेकिन यू शेप रिकवरी का मतलब होता है कि डिक्लाइन के बाद जो रिकवरी है वो बहुत ही धीरे धीरे आएगी जिस तरह यू की कर्व में जो नीचे वाला बॉटम है दैट इज फेयरली ब्रॉड यानी कि जो रिसेशन है या जो डिप्रेशन है वो काफी देर तक प्रिवेल करेगा और धीरे धीरे ग्रोथ आएगी बट हेयर द गवर्नमेंट इज सेंग दैट द रिकवरी इज टू बी वी शेप रिकवरी होने वाली है दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी स्पीडी रिकवरी बहुत तेजी से इंडियन इकोनॉमी रिकवर होगी और इस डेटा को सप इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा डेटा भी हमारे पास आ रहा है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अक्टूबर और नवंबर के जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो पहली बार एक लाख करोड़ क्रॉस किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में इज अ अ वेरी गुड साइन साइन इज दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डीड पिकिंग अप पेस तो इसके साथ मिलती जुलती न्यूज है सर्विस पी एम सिग्नल राइज इन एक्टिविटी फॉर अ सेकेंड मंथ तो जो सर्विस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसने भी लगातार दूसरे महीने राइज सिग्नल किया है यानी कि इंप्रूवमेंट सिग्नल की है आईआईपी में भी हमने इंप्रूवमेंट देखी है दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक तो इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज पेपर विच इज द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में डायरेक्टली विल गो टू द एक्सप्लेन पेज पेज so नंबर 13 एक्सप्लेन पेज गोल्ड प्राइस इज नाउ डाउन बट इट मेक सेंस टू स्टे इन्वेस्टेड तो ये वैसे तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का एक आर्टिकल है बट इकॉनॉमी में इकॉनॉमी का राइज और फॉल और उससे गोल्ड प्राइसेस कैसे इंपैक्ट होती हैं यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस न्यूज जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पढ़ने वाली दैट इज हाउ एनाराइज कुड वोट बाई पोस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पॉलिटी में इलेक्टोरल रिफॉर्मस का जो आस्पेक्ट है उसमें हाउ एनआरआईज कुड वोट बाय पोस्ट तो कैसे एनआरआईज को वोट करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है हाउ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनआरआईज जो अभी सिर्फ सर्विस पर्सनल को आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल है उसे एनआरआईज को कैसे अवेलेबल किया जा सकता है उसके चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे अगर हम ऐसा कर देते हैं और क्या उससे वोट्स की ऑथेंटिसिटी या फिर काउंटिंग प्रोसेस में कोई डिले या कोई चैलेंज आएगा वो सब आपको इसके साथ प्रिपेयर करना है सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है देन ऑन द एडिटोरियल पेज द आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड इज स्क्यूड जस्टिस ऑन द लेफ्ट साइड स्क्यूड जस्टिस तो रिसेंटली अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के मिस्टर के के वेणुगोपाल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट इंडिया हैज नेवर हैड अ वुमन सीजेआई इंडिया के पास कभी भी आज तक एक वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है एक वुमन कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है सो दिस इज व्हाट जनरल रिसेंटली सेड तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि वुमेन कितने ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है इन हायर जुडिशियरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाउ मच द वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड तो यहां से कुछ डेटा आपको मिल सकता है जिन्हें आप ऐसे एग्जाम में या फिर मेन्स एग्जाम में कोट कर सकते हैं जहां पर भी वुमेन का टॉपिक आता है वी सेल्डम गेट इन टू वुमन्स रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशियरी हम लेजिसलेचर में एग्जीक्यूटिव में उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं बट वेरी सेल्डम डू वी टॉक अबाउट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशियरी तो यहाँ से कुछ आपको ऐसे पॉइंटर्स मिल सकते हैं विच यू कैन मैंशन इन योर मेन्ज आंसर्स इन योर एससेज जहां पर भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है इन जनरल भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी अगर हम बात करें देन वुमेन वुमेन्स रोल शुड बी इंक्रीज इन जुडिशियरी जिससे कि एम्पेथी ज़्यादा आती है जिससे कि एक कंपैशन ज़्यादा आता है और लॉट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट गेट्स यू नो इंक्लूडेड और जेंडर जस्टिस भी उससे आता है सो so, ये आर्टिकल आपको उसके लिए पढ़ना है सो दीज आर ऑल द न्यूज दैट यू हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर टुडे, इसके अलावा आपको बहुत सारे आर्टिकल्स या न्यूज ऐसे लगेंगी कि ये रेलिवेंट हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट फॉर द एग्जाम ऐसे तो कोई भी न्यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम के सिलेबस में फिट हो जाती है दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिविल सर्विसज बट वी डो नॉट हैव टू गेट कैरिड अवे